नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आप हम सब जानते हैं कि लहसुन एक ऐसी चीज है जो आपके शत्रुओं का नाश करती है, आपके घर में धन की वृद्धि करती है, और आपके और जो ग्रह दोष है उन्हें भी बहुत जल्दी शांत कर देती है। आपको पता हो या ना पता हो दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज को बता दूं कि यदि आप अपने पर्स में एक लहसुन की कली रखते हैं तो हमेशा माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। लहसुन की गांठ आप यदि हमेशा अपनी तिजोरी पे रख करके रखते हैं तो नेगेटिविटी आपकी लक्ष्मी की तरफ नजर नहीं उठा पाती और धन की सदैव वृद्धि होती रहती है। यदि आपका जहां कारोबार है, नौकरी है, दुकान है, शोरूम है, जो कुछ भी है, यदि वहां आपको ऐसा लगता है कि कहीं 19-20 हो रहा है, धंधे में, व्यापार में, नौकरी में कहीं तकलीफ हो रही है, तो आप अपनी दुकान के या अपने शोरूम के दरवाजे पर लाल रंग के कपड़े में 3, 5, 9, 11 इस टाइप से कोई भी एक अच्छी सीधी संख्या में आप लहसुन की कलियां ले और उसे बांध करके दरवाजे पर टांग दे। इससे दुकान में, शोरूम में जो नेगेटिविटी एंटर हो रही है वो होना बंद हो जाती है। आपके घर के मुख्य दरवाजे के आगे चौखट के पास यदि आप 3 लहसुन की कली लेकर के सादे ढंग से रख देते हैं और उसे गाड़ देते हैं, शत्रु आपके घर की तरफ नजर नहीं उठाता है। सिंदूर के साथ यदि मिला करके आप सिर्फ 2 लहसुन की कलियों को गाड़ देते हैं, शत्रु का प्रकोप भी कम हो जाता है और लक्ष्मी भी आपके घर में वास करती है, नेगेटिविटी जल्दी आपके घर में एंटर नहीं होती है। यदि शत्रु आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप 3 लहसुन की कली लेकर के जाएं और पीपल के पेड़ के नीचे शत्रु का नाम लहसुन की कली में लिखें लाल पेन से और पीपल के पेड़ के नीचे आप उसे गाड़ दें और बिना पीछे देखे आप लौट करके आ जाएं। शत्रुओं की सारी शक्ति धीरे धीरे, जैसे जैसे लहसुन सूखता जाएगा, शत्रु की शक्ति खत्म होने लग जाएगी। लहसुन दोस्तों बहुत ही लाजवाब चीज है। यदि शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो आप शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन लहसुन के बीच की जो डंडी आती है, आपने देखा होगा लहसुन की जो पूरी गांठ होती है, गांठ के बीच में एक लकड़ी होती है, उसी लकड़ी के इर्द गिर्द सारे लहसुन की कलियां लगी हुई होती हैं। आपको लहसुन की कलियों को निकाल लेना है। क्या करना है? लहसुन की एक एक कली निकाल लेनी है और जो लकड़ी है, लकड़ी को आपको ले लेना है और ऐसी 2-3 लकड़ियां आप ले लें, बराबर, और एक व्हाइट कलर के पेपर पर काजल से आप शत्रु का नाम लिखें और इन लकड़ियों को आप जलाएं। लहसुन की वो लकड़ी, जैसे इंसान की बॉडी में उसकी नाल होती है, नाभि, नाभि के स्थान से पूरी शक्ति उसके अंदर जाती है, ऐसे ही लहसुन की ये लकड़ी है जिसके इर्द गिर्द सारी कलियां लगी हुई होती है। ये लकड़ी दोस्तों बहुत पावरफुल होती है, शत्रु नाश के लिए भी और भी तमाम चीजों में इस लकड़ी का बहुत बढ़िया यूज होता है। आपको उन लकड़ियों को इकट्ठा करके और उसको जलाना है और उन जलती हुई लकड़ियों में आपको उस कागज को डाल देना है जिसमें आपने अपने शत्रु का नाम लिखा है। क्या करना है? उन लकड़ियों को जला करके उसमें उस कागज को डाल देना है जिसमें आपने अपने शत्रु का नाम लिखा है और आपको बोलना है ओम नमो अमुकम हन हन फट स्वाहा, बराबर। ओम नमो अमुकम अमुकम में आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है और इन लहसुन की लकड़ियों से आप उसे जला करके देखे दोस्तों, बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, कोई भी आपकी इच्छा हो, कोई ऐसी इच्छा हो जो काफी लंबे समय से आप संजो करके बैठे हैं पर आपका काम नहीं हो रहा है, तो
तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय है। शुक्रवार के दिन या फिर बुधवार के दिन आप लहसुन की 5 कलियां ले लें। कितनी? 5। वैसे 5 से ज्यादा भी यदि आपको लगता है कि आपको लेना पड़ेगा कागज तो फिर 5 कलियों में भी जल जाएगा, लेकिन यदि आपको उचित लगता हो तो आप 5 से ज्यादा 7, 9 या 11 कली भी ले सकते हैं लहसुन की। वैसे 5 तो आपको कम से कम लेना होगा, ठीक है। आपको दोस्तों कागज पर अपनी इच्छा लिखनी है, वो इच्छा जो काफी समय से अधूरी है, जो काम आपका नहीं हो रहा है, उस इच्छा को आपको व्हाइट कलर के पेपर पर लिखना है। लाल स्याही से आप अपनी इच्छा को लिख दें, ठीक है। लिख करके आप कपूर की कुछ गोटियां जला दें। कपूर की गोटियों को आपको ऐसे लाइन से बहुत अच्छे से आपको सजा करके रख देना है, जैसे आप छोटी सी थाली बना रहे, छोटी सी डिश बना रहे हो, प्लेट, इस टाइप से आप पहले कपूर को रख दें। उसके ऊपर आप 5 कली लहसुन की रख दें, बराबर, और इस कपूर को जलाएं। जैसे ही लहसुन की कलियां जलती हैं आप उस कागज को उसमें डाल दें। बहुत साधारण, बहुत छोटा सा उपाय दोस्तों, लेकिन इसका रिजल्ट बढ़िया नहीं, बहुत बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलता है। लहसुन में बहुत ही शक्ति है जो आपकी काफी चीजों को सफल बना देती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। कैसे भी आपकी इच्छा है, लहसुन की कलियों को जला करके उसके ऊपर आप कागज को रख करके जलाएं। यदि एक बार करने से काम नहीं हो रहा है तो आप इस क्रिया को कंटिन्यू 3 दिन करें। जैसे आपने बुधवार को शुरू किया है तो बुध गुरु शुक्र 3 दिन कर दें, गुरुवार शुक्रवार के दिन शुरू किया है तो शुक्र शनि रवि 3 दिन आप इसे कर दें, मतलब 3 दिन आप इसे रेगुलर करें दोस्तों, आपको बहुत जल्दी बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लहसुन की कलियों पर जला करके देखें, बड़ा मजा आ जाएगा, आपको भी लगेगा कि हाँ बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया। तो करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।